बाना में जो भी चेकिंग होती है फॉर्मेलिटी होती है, और जो भी लोडेड सामान निकल रहा है ये अधिकारी के मत से और जो भी बड़े नेता हैं उनके नज़र से निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि रोडों में भी दिक्कत हो रही है, चलने में भी दिक्कत हो रही है, रोड भी टूट रही हैं और चौराहों में जाम लग रहा है। जैसे कि मैं कल आपको बता दूं कि कल मैं मार्केट से आते हुए चार जगह ऐसे जामों में फंसा जहां से मुझे निकलने में एक से डेढ़ घंटे बांदा में लग गए। ये बांदा शहर में क्योंकि ट्रैफिक इसके पहले बहुत कम था, इधर दो साल से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो नोएंटी वाला सिस्टम था प्रशासनिक लापरवाहियों से ये नोएंटी वाला सिस्टम भी दिन में बसें वगैरह ट्रक वगैरह खुलेआम निकलना है। इसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों से मांग ली कि ये व्यवस्था जानकी धाम को ट्रैफिक के पुलिस के माध्यम से इसको समाप्त कराया जाए, लेकिन यहाँ के ट्रैफिक पुलिस के लिए जो नियम है उनके भी वाहन चल रहे हैं नजर आ रहा है। इससे प्रशासन की लापरवाही है, सब जानते हो प्रशासन जब की है हमारी सरकार इसको बैन लगाए हुए कि दिन में कोई भी जो है ट्रक नहीं चलेंगे जी, लेकिन फिर भी ट्रक जा रहे हैं। हाँ, यहाँ के स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी उसको भेज ऐसा है कि यातायात सप्ताह चल रहा है और यातायात को सुचार करने के लिए, स्मूथ रन करने के लिए, इंसिडेंट फ्री रहने के लिए सरकार लगातार काम भी करती है, लेकिन चूंकि ये चलायमान गतिमान है और ये आदत से जुड़ा हुआ है, लापरवाही से जुड़ा हुआ है, सतर्कता खोने से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये 18 तारीख को स्पेशली जनपद मादा में ये कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लोग अवेयरनेस मैं नहीं कहता कि नहीं है, है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर हो ही जाता है। उसी ह्यूमन एरर ना हो इसको रोकने के लिए ही ये इवेंट का प्लान किया गया है, इससे लोग सतर्क रहे।